और खबर नोएडा से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। नोएडा के सेक्टर 41 में लुटेरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर के बाहर खड़ी बाइक को चोर उड़ा ले गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। और घटना शुक्रवार देर शाम की, आपको बता दें, फुटेज में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चोर आता है और डुप्लीकेट चाबी से बाइक को अनलॉक करता है और बाइक को लेकर फरार हो जाता है। पीड़ित युवा गाजियाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। देर शाम जब वो घर से बाहर आया तो उसकी बाइक वहां मौजूद नहीं थी। सेक्टर 39 थाने की पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली है। हालांकि अब तक बाइक का सुराग नहीं मिल पाया है। और इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रिजवान आरिफ। नोएडा में गाड़ी चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला सेक्टर 41 का है, जहां एक घर के बाहर से सरेआम एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई है। ये पूरा मामला शुक्रवार की देर शाम का है। C24 सेक्टर 41 ये एड्रेस है जहां से ये चोरी हुई है और चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। साफ दिख रहा है कि कैसे एक चोर पहले वहाँ पर आता है और अगल बगल देखने के बाद से जब उसे कोई नहीं दिखाई देता है तो एक डुप्लीकेट चाबी निकाल कर वो मोटरसाइकिल को अनलॉक करता है और बड़ी आसानी से उसे लेकर फरार हो जाता है। फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सेक्टर 39 थाने में शिकायत दी गई है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। एफआईआर दर्ज कर उस चोर को तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे नोएडा पुलिस भी काफ़ी चिंतित है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, नोएडा।